हेलो गाइस, वेलकम टू एटॉमिक स्टडी। आज हम इसरो के टेक्नीशियन बी पोस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का है, जो कि हेल्ड हुआ था 22/4/18 को। और ये इसरो प्रोपल्यूशन कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट का है। इसरो के कई सारे भाग हैं, जैसे कि VSSC है, SAC है, तो ऐसे ही इसका इसरो प्रोपल्यूशन कॉम्प्लेक्स, ये भी इसका एक डिपार्टमेंट है, उसी का क्वेश्चन पेपर है टेक्नीशियन बी के लिए। इसमें टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हैं और मैक्सिमम 180 मार्क्स का था, तो आज हम इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी मैंने जो है इसरो के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं, इसरो, DMRC, DRDO और रेलवे, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है उसका जो है क्लास के जो सेमेस्टर वाइज होते हैं उन सबको सॉल्व कर रखा है, उस सब क्वेश्चन पेपर को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उन्हें जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि अ सर्किट यूजिंग डायोड एंड कैपेसिटर दैट इंक्रीज इनपुट वोल्टेज बाय 2, 3 और 4 टाइम्स। यानी कि ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि डायोड और कैपेसिटर का यूज करके बनाए गए एक सर्किट में जो इनपुट वोल्टेज को 2, 3 या 4 गुना बढ़ा सकता है, कितना गुना बढ़ा सकता है अगर हम डायोड और कैपेसिटर का यूज करके एक सर्किट बनाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसको क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करता है। जैसे हमने एक सर्किट लिया, उसमें डायोड कैपेसिटर लगा दिया और ये इसके आउटपुट को मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 गुना कर दे रहा है, 3 गुना कर दे रहा है, 4 गुना कर रहा है, तो इस टाइप ऑफ डिवाइस को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम उसे वोल्टेज मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कि अ कंडीशन वेयर टू सिग्नल अप्लाइड इन डिफरेंशियल इनपुट आर ऑफ सेम फेज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीफाइड इज कॉल्ड। यानी कि पूछ रहा है कि एक एम्पलीफायर में एक एम्पलीफाइड फ्रीक्वेंसी जहाँ पे सेम फेज हो, अगर उसके इनपुट डिफरेंट डिफरेंट हो, तो इस टाइप के जो डिवाइस हैं, इस टाइप की जो बायसिंग है एम्पलीफायर में, उसे क्या कहते हैं हम? तो हम उसे कहते हैं एक कॉमन मोड बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि अ सर्किट दैट यूज एन एम्पलीफायर विथ पैसिव फिल्टर एलिमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसी सर्किट जिसमें एम्पलीफायर के साथ पैसिव फिल्टर यूज होता है, पैसिव फिल्टर एलिमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एक्टिव फिल्टर बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, इनमें से एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है, पढ़ लेते हैं। इज एक्सट्रिंसिक, जो है कि ये क्या होती है, एक्सट्रिंसिक होती है, हैज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम एडेड, हैज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडेड, रिक्वायर नो डोपिंग। तो हमें जो एन टाइप की होती है उसमें डोपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये फोर्थ गलत हो गया। और ये जो है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि ये भी गलत है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपका कि हैज़ अ पेंटावेलेंट, नहीं, पेंटावेलेंट एटम एडेड नहीं होते हैं, पेंटावेलेंट सिर्फ पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल में होते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब होता है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि फास्फोरस के सेल में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, लेकिन हम इसमें ट्राईवेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे ही ये सिलिकॉन के साथ रिएक्शन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा बच जाता है। दैट्स एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, या फिर डिवाइस में यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बचता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो है हम ट्राईवेलेंट की डोपिंग करते हैं, इन टेट्रावेलेंट। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू ट्रांजिस्टर्स इन विच कलेक्टर आर कनेक्टेड एंड इमीटर ऑफ फर्स्ट ड्राइव बेस ऑफ सेकंड इट्स अचीव बीटा मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दो ट्रांजिस्टर हैं जिनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, बायसिंग है, उसमें कलेक्टर से जुड़े हुए हैं। ओके, और जो दूसरा जो है बेस है, वो जो दूसरे प्रथम चालन बेस के उत्सर्जक हैं बीटा के गुणन प्राप्त करता है,
तो क्या कहलाता है? हाँ, तो इसमें पूछ रहा है कि अगर ट्रांजिस्टर है, दो ट्रांजिस्टर ले रखे हैं और उनका जो कलेक्टर है, एमिटर, एक दूसरे के, पहले का जो कलेक्टर है वो दूसरे के एमिटर से कनेक्टेड है, तो इस टाइप ऑफ डिवाइस को क्या बोलेंगे, मतलब इस टाइप के पेयरिंग को क्या बोलेंगे? तो इस तरह की पेयरिंग को हम बोलते हैं डार्लिंगटन पेयर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू पीक फैक्टर इन केस ऑफ, किस प्रकार के जो है वेव फॉर्म में फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर के इक्वल होता है। ओके, तो अगर हम वेव फॉर्म की बात करें तो जो साइन वेव होता है हमारा, साइन वेव यानी कि जो इस प्रकार राउंड करता है कुछ, तो साइन वेव में हमारा जो हमारा पीक फैक्टर है वो होता है √2, और जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.11। ओके, ऐसे ही अगर हम स्क्वायर वेव की बात करें तो इसका होता है 1, ये होता है आपका पीक फैक्टर। अगर हम इसका फॉर्म फैक्टर की बात करें तो ये भी होता है 1। अगर हम इसके आरएमएस वैल्यू की बात करें तो ये होता है आपका 1, यानी कि स्क्वायर वेव में सारी वैल्यू 1 होती हैं। ऐसे ही अगर साइन वेव की बात करें तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 1/√2। ठीक, तो इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन में, 6th का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक, अगर हम सॉ ट्रायंगुलर वेव की बात करें, ओके, यहाँ पे देखें सॉ टूथ वेव या ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। अगर हम इसके क्रेस्ट फैक्टर या फिर पीक फैक्टर की बात करें तो ये होता है √3, और इसकी फॉर्म फैक्टर होती है 1.54। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ देता है कि किसकी फॉर्म फैक्टर क्या होती है, किसकी पीक फैक्टर क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इन तीनों में रिलेशन क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ओके, अगर हम सॉ टूथ वेव की बात करें तो इसका भी क्या होता है, इसका ट्रेंगुलर वेव की तरह होता है, इसका जो अगर आरएमएस वैल्यू की बात करें तो ये होता है 1.23। अगर इसका क्रेस्ट वैल्यू या पीक फैक्टर या पीक वैल्यू की बात करें तो ये होती है आपकी √3, और इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो होता है 1.54। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्क्वायर वेव में जो है फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू पीक फैक्टर, या फिर फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू पीक फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन वेव का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार होता है, सॉरी, स्क्वायर वेव का शेप इस प्रकार होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट देखते हैं कि इन अ सीरीज आरएल सर्किट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर आर 3 वोल्ट एंड 5.4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द अप्लाइड वोल्टेज। ये पूछ रहा है कि एक आरएलसी सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर और रजिस्टर लगे हुए हैं, इंडक्टर में वोल्टेज कितना जा रहा है, रजिस्टर में वोल्टेज 3 वोल्ट जा रहा है और इंडक्टर में जा रहा है 4 वोल्ट। तो कह रहा है कि टोटल वोल्टेज कितना कंज्यूम करती है, या फिर अप्लाइड वोल्टेज क्या है। तो हमें पता है कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट में टोटल वोल्टेज वी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। वी आर मतलब रेजिस्टेंस का वोल्टेज, और एल मतलब इंडक्टर का वोल्टेज, और वी टोटल ये नेट वोल्टेज। तो हमें वी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और प्स 4 का स्क्वायर 16, 9 16 9 25, तो √25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7th का, ये हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वें का। आर एल सी पैरल सर्किट इफ करंट थ्रो कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज इक्वल टू इक्वल, देन वॉट इज द पावर फैक्टर। पूछ रहा है 8वें क्वेश्चन में कि अगर किसी आर एल सी पैरल सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर के करंट आपस में बराबर हो जाएं तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो हमें पता है कि पावर फैक्टर उस टाइम पे क्या हो जाती है, यूनिटी हो जाती है, एक हो जाती है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन आरएलसी सीरीज सर्किट आर इज इक्वल टू इतना दे रखा है, एल इज इक्वल टू इतना और सी इज इक्वल टू इतना, एंड अप्लाइड वोल्टेज इतना। तो पूछ रहा है कि स्टेडी करंट वैल्यू क्या होगी। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो है इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि इंडक्टर में जो है करंट तो फ्लो होगा लेकिन कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, कैपेसिटर में करंट ही फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे जो है सो पूरा सर्किट क्या बन जाएगा, यहाँ पे पूरा सर्किट, यहाँ पे ये कनेक्टेड है तो ये पूरा सर्किट हमारा ओपन सर्किट बन जाएगा, दैट्स मीन्स कि करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो स्टेडी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 9th का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0। ओके, ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि कैपेसिटर जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, दैट मीन्स कि करंट पास आउट नहीं होता सर्किट के थ्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9th का डी। नेक्स्ट है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर जीरो ऑफ एन स्क्वायर ऑफ स्लाइड सॉरी साइड इक्वल टू 5 मीटर एंड कैरिंग 10 एम्पियर करंट। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमें करंट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 एम्पियर, ओके, और लेंथ कितना दे रखा है, 5 मीटर, और कह रहा है कि एरिया इसका क्या, एरिया नहीं दे रखा है, एन दे रखा है, एन पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाइए। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करें 10th वाले को, तो इसका राइट आंसर हमारा आ जाता है 1.8। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अ बीसीडी डिकोडर विल हैव हाउ मेनी रो इन ट्रुथ टेबल। एक बीसीडी डिकोडर है उसमें ट्रुथ टेबल में कितने रोज होते हैं, तो इसमें जो है 10 रो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 12th नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि अ मॉड्यूल 10 काउंटर मस्ट हैव, एक जो मॉड्यूल 10 काउंटर है उसके पास कितने, यहाँ पे आई थिंक फ्लिप फ्लॉप पूछा है कि कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि क्या, बस इतने लिख दिया कि एक जो है 10 गणित्र के एक मापांक में होना चाहिए। तो इसमें फ्लिप फ्लॉप पूछा है, तो मोड 10 का जो काउंटर है, तो हम इसका फॉर्मूला होता है कि मोड 10, यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n हो जाएगा। तो 10 को अगर हम 2 की पावर n के, यहाँ पे n की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 2, राइट, इज इक्वल टू 2 की पावर n, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 की घात 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 से ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो है हमारा मॉड्यूल 10 में कितने काउंटर होंगे, तो मोर देन 3 होंगे, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 1 फ्लिप फ्लॉप तो होगा ही होगा, तो यही पूछ रहा है। यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 से भी ज़्यादा है, यहाँ पे मिनिमम नंबर बोल दिया है, तो 1 यहाँ पे कर देंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो मोड हमारा 10 होता है, एक्चुअली मोड जो हम निकालते हैं वो इसमें 2 की पावर 3 निकाला, यानी कि इसमें जो है 3 से ज़्यादा ही होंगे। ऐसे अगर मोड काउंटर हम 9 की बात करते हैं, 10 की, 11 की, 12, 13, 14, 15, 16, इन सभी में 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे ही होंगे। ओके, तो 10 भी इसी में आता है, तो इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम बोल देंगे कि मिनिमम 1 फ्लिप फ्लॉप तो रिक्वायर्ड होगी ही। ओके, नेक्स्ट आपका है, ये आपका हो गया 12th क्वेश्चन, और 13th देखते हैं। ये पूछ रहा है कि द ऑब्जर्वेशन दैट अ बबल्ड इनपुट और गेट इज इंटरचेंजेबल विथ बबल्ड आउटपुट एंड गेट इज रिफर्ड टू। तो इसमें पूछ रहा है कि जो एक बबल्ड इनपुट है और गेट का, वो बबल्ड आउटपुट एंड गेट के साथ जो है एक दूसरे से चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है। तो इस स्थिति में इस टाइप के जो इंटरचेबल की कंडीशन है, तो हम इस टाइप के चेंजेस को क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं डी मॉयवर्स लॉ के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किसके थ्रू रिफर्ड होगा, तो ये होगा डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है कि द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन। तो हमें पता है कि फॉर जो सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है वो होता है आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, किसी भी सेमी कंडक्टर का जो है एनर्जी गैप होता है वो होता है आपका 1 से 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। अगर हम ऐसे जर्मेनियम की बात करें कि जर्मेनियम का जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो ये होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो एनर्जी गैप गैप बेसिकली होता क्या है, ये होता है द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। जो आपकी कंडक्शन बैंड है यहाँ पे है, और वैलेंस बैंड है इसके बीच, यहाँ पे जो आपका वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहीं से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, दैट तभी जो है आपकी करंट फ्लो होगी। तो ये जो है सेमी कंडक्टर के लिए होता है, 1 से 2 वोल्ट तक होता है,
और अगर हम कंडक्टर की बात करें तो वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और अगर हम जो है इंसुलेटर की बात करें तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो ये आपका एनर्जी गैप ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए किसी भी कंडक्टर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि सिलिकॉन का कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जर्मेनियम का यहीं पे पूछ देता है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर किसी मेटल का मान लीजिए ये पूछ दिया कि गोल्ड का कितना होता है, सिल्वर का, या फिर पूछ दिया कि कॉपर का कितना होता है, तो हम वहाँ पर लिख देंगे कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दैट मीन्स कि वहाँ पर एनर्जी गैप यानी कि जो है फॉरबिडन जोन होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड आर प्रिफर्ड एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बिकॉज ऑफ इट्स लो जंक्शन। ओके, यानी कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड है उसे हम क्यों वरीयता देते हैं हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स लो जंक्शन। किसके मतलब क्यों हैं हम पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड को इसकी वरीयता देते हैं, क्योंकि इसकी जो जंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये कैपेसिटेंस के कारण जो है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड को प्रिफर्ड करते हैं वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कि इन स्टैंडर्ड टीवी रिसीविंग एंटीना द डाइपोल मोमेंट इज, स्टैंडर्ड टीवी रिसीविंग एंटीना के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो उसका होता है जो वेवलेंथ होती है उसकी वो 0.5 होती है, यानी कि हाफ होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका 17 कि यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन विच कैरियर वेव इज सप्रेस्ड इज कॉल्ड। जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव को सप्रेस्ड किया जाता है, उसमें ओवरलैपिंग की जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं बैलेंस मॉड्यूलेशन। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन ऑब्जर्विंग 500 किलोहर्ट्ज़ स्क्वायर वेव विथ एन ऑसिलोस्कोप व्हाट पीरियड वुड बी एक्सपेक्ट टू सी। यानी कि इसमें जो है पीरियड पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा यदि फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज़ है। तो वी ऑल नो कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ओके, टी, तो हमें टी की वैल्यू निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 500 किलोहर्ट्ज़, तो 1/5 में 500 किलोहर्ट्ज़ कर देंगे। तो इसको हम अगर सॉल्व कर लेते हैं 1/, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो गया 500 इंटू कितना आ गया, ये किलो हर्ट्स है तो ये 3 आ गया। ओके, तो अगर हम 1/5 में कितना आ गया, 5 लाख आ गया। तो 1/5 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 1 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.2 × 10⁻⁶, यानी कि 10⁻⁶ को क्या बोल सकते हैं, 2 माइक्रो सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी। ओके, 2 माइक्रो सेकेंड। अगर क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रहा है कि टॉर्क डेवलप्ड बाय अ डीसी सर्वो मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द, जो डीसी सर्वो मोटर में टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आर्मेचर करंट एंड बैक ईएमएफ, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि कंपेयर्ड टू बाईपोलर ट्रांजिस्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आर नॉट नॉर्मली कैरेक्टराइज्ड बाई। यानी कि जो हमारा बाईपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं वो एफईटी की जो है, ये पूछ रहा है कि बाईपोलरिटी जो है एफईटी के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में लक्षण नहीं है। इसमें कौन सा जो है नीचे जो दिया गया है इसमें एफईटी का लक्षण नहीं है, तो क्या वो उसमें हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, या फिर रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है, या फिर लो इनपुट इम्पिडेंस होता है, या लो पावर कंजम्पशन होता है। तो हमारा जो एफईटी है उसका जो लक्षण इसमें वो पूछ रहा है कि नहीं है। ओके, तो जो है इसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है तो ये इसका लक्षण नहीं है। बाकी इसका हाई इनपुट 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 इम्पिडेंस होता है,
इसका रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है, और जो है इसका लो पावर कंजम्पशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि रेज टाइम ऑफ एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज अ टाइम रिक्वायर्ड, जो 23 में पूछा है कि एक एम्पलीफायर है उसका रेज टाइम को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो उसका जो रेज टाइम होता है वो होता है टू चेंज फ्रॉम 10 to 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। जब एम्पलीफायर को सिग्नल देते हैं तो उसकी वैल्यू 10 से लेकर 90% तक कवर हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं रेज टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछ रहा है कि पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ ई इज अ पीक वोल्टेज, यानी कि पूछ रहा है कि पीक वोल्टेज इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। तो जो पीआईवी होता है, यानी कि पीआईवी का मतलब ही होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस अ डायोड इन रिवर्स बायस। तो किसी भी डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करें, यानी कि पी है तो इसको नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से, यानी कि किसी डायोड के पी वाले पार्ट्स को, पी एनोड को जो है हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो ये रिवर्स बायस कहलाती है। और इस स्थिति में डायोड के भीतर से जो भी मिनिमम करंट फ्लो, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा, वैसे भी कम, रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो तो होता ही नहीं है, तो जो भी मैक्सिमम करंट फ्लो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो है पीक वोल्टेज, अगर यहाँ पे कितना दे रखा है, पीक वोल्टेज ई दे रखा है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो ये होगा आपका 2E। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी नंबर ऑफ गेट्स आर इनकॉर्पोरेट इन SSL चिप। SSL चिप में कितने जो है नंबर ऑफ गेट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें 12 होते हैं। नेक्स्ट है कि इन एन एम्पलीफायर कपलिंग कैपेसिटर आर एम्प्लॉयड फॉर, जो एम्पलीफायर कपलिंग होती है उसमें कैपेसिटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है। तो ये होता है कि इसका प्रिवेंटिंग द डीसी मिक्सिंग विथ आउटपुट और इनपुट और आउटपुट, आउटपुट के डीसी को, इनपुट के डीसी को आउटपुट के डीसी के मिलने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि एम्पलीफायर में जो कपलिंग एम्पलीफायर है उसमें कैपेसिटर का काम क्या होता है कि वो इनपुट के, इनपुट का जो डीसी है उसको मिक्सअप नहीं होने देता। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि इन अ ट्रांजिस्टर इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.98 करंट गेन इज इक्वल टू, यानी कि अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पे दे रखी है 0.98, तो पूछ रहा है कि करंट गेन क्या होगा। ओके, तो इसका करंट गेन क्या हो जाएगा, करंट गेन होता क्या है, ये होता है बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 98 अपॉन 1 माइनस 0.98, तो इसको 0.2 आ जाएगा। तो 98 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि अ कैपेसिटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 0.1 कूलाम एट 5 वोल्ट इट्स कैपेसिटेंस इज, ये सीधा सा इसका फॉर्मूला है, पूछ रहा है कि सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। पूछ रहा है यहाँ पे कि हमने जो सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कुलाम है ना, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1 और वोल्टेज दे रखा है 5, पूछ रहा है सी क्या हुआ। तो सी सिंपल सा 0.1 को 5 से डिवाइड कर देंगे, चूंकि ये 5 जो है वोल्ट में है और 0.1 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.02। तो इसका इतना फेराडे आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.02 फेराडे। ओके, ये सिंपल सा फॉर्मूला था, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ पे सी कैपेसिटेंस था, क्यू था चार्ज जो कि कूलाम में मेजर होता है, और वी वोल्टेज था हमारा जो कि वोल्ट था, वोल्टेज में मेजर होता है, इसकी यूनिट होती है फेराडे, इसकी कूलाम, इसकी वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइमर कैन बी यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिग्रेशन, किस आईसी जो 555 है किस में यूज होती है।
तो ये हमारा पता है कि ए स्टेबल और मोनो स्टेबल में, मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो होते हैं उनमें जो हमारा IC555 यूज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमी कंडक्टर हैव अ कितना एनर्जी गैप होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था इसमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि इसमें जो है नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर एनर्जी गैप होता है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता, नॉन एग्जिस्टेंट होता है, बिल्कुल लिटिल अमाउंट होता है, जीरो हम नहीं कह सकते क्योंकि 0 से ज़्यादा होता है बट बहुत ज़्यादा से कम होता है, तो इसका नॉन एग्जिस्टिंग यानी कि ना के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का, सॉरी नॉन एग्जिस्टिंग भी नहीं कर सकते, नॉन एग्जिस्टिंग का मतलब भी 0 ही हो जाएगा, तो 0 और नॉन एग्जिस्टिंग इक्वल है, तो ना 0 होता है ना बहुत ज़्यादा होता है ना नॉन एग्जिस्टिंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है जो कि बहुत कम वैल्यू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इसमें स्मॉल तो एनर्जी गैप होता ही होता है, तो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ओके गाइज, दैट्स फॉर टुडे। अब जो है इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ऑफ द वीडियो विल बी मोर लेंदी। तो ठीक है, दैट्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।